देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान बीते दिन किया गया। इस कड़ी में कल नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र हौज खास एनक्लेव एमसीडी स्कूल में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मतदान किया। मीडिया से बात करते हुए केरल के गवर्नर ने कहा है कि यह देश जितनी हम आशा कर रहे हैं उससे पहले ही विश्वास की बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, सभी लोगों को चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और मतदान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं और हमें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ये देश जितनी जल्दी हम आशा कर रहे हैं उससे पहले ही विश्व की बड़ी ताकत बन के उभरेगा और ये चुनाव जो है ये तो लोकतंत्र का त्यौहार है। जो सार्वभौमिक सत्ता है हमें याद दिलाता है कि सार्वभौमिक सत्ता का स्रोत इस देश का साधारण नागरिक है और इसमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। हम इस जो आम बिल्कुल साधारण व्यक्ति की जो का जो अधिकार है हम उसका त्योहार मना रहे हैं। नाराज सर बोलिए। नाराज मत हो, मुझे आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट दैट सूनर देन वी एक्सपेक्ट इंडिया विल एमर्ज एज ए रियल पावर इन द वर्ल्ड एंड दिस आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल एज फार एज द इलेक्शन इज कंसर्न्ड। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, सेलिब्रेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सॉवरिंटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो इट्स ए ग्रेट फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सर। हिंदी में सर, सर मैम। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।